आपको अच्छा टीचर होगा वही माना जाता है कि जो पके पकाए को क्या कहना है, जिसकी आपको नींद बदलनी है मतलब पूरा अच्छी तरह से उसको गाइड करना है वो मेटेरियल आपको मिलता है। बहुत सारे एरिया जहाँ उनको आप तैयार कर सकते हैं, ट्राइबल एरिया की बहुत स्ट्रेंथ होती है बच्चों में, बहुत उनमें कैपेबिलिटी होती है, आप जैसे कहेंगे वो आपको मानेंगे, जो रेस्पेक्ट वो आपको करते हैं सिटी के बच्चे नहीं करते, सिटी के बच्चे नहीं सुनते, आप उनको जैसे तैयार करेंगे वैसे तैयार होंगे वो। ये कहना कि हम ट्राइबल एरिया में हैं, ये कहना कि विलेज एरिया में हैं, ये एक आपका ये पॉजिटिव पॉइंट भी है और थोड़ा बहुत ये नेगेटिव पॉइंट है उसको करेक्ट कर दिया। बात निकला हुआ सर कि दो जो प्रिंसिपल आए वो उनके मनोबल
इस टाइप की डेवलपमेंट कैसा करेंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी थी कि हम करेंगे। तो सर हमने उनको है काफ़ी प्रयास किया कि भाई इसको जो बढ़ाया हुआ पौधा लगाया गया है उसको पानी देना काम है, पौधा अगर पानी नहीं ज़्यादा पड़ता है जो भी डेवलपमेंट चाहिए उन्होंने दिया था। डॉक्टर ना अभी बात कर दिए ये चार पाँच दिन हमने वो लेटर से दिया था वो कलेक्टर से अपने आचार संहिता का साहब एक कॉलेज है जो इसी तरह ग्रामीण का कॉलेज क्वालिटी ऐसी है कि हिसार के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़े होंगे वो चाहते हैं कि हम जो वो है उनको इन्वाइट करें नहीं त्योहारों की जयंती पे उनको बुला करके आप सकते हैं उनके एक्सपीरियंस बच्चों को पता नहीं कैसे मनाया तो ये डिग्री थोड़ा हो गई उनका बहुत वो आप उनको बुला करके उनका इंडिविजुअल कराया एक्सपर्ट लेक्चर कराया हम देख रहे थे एक्सपर्ट लेक्चर का कॉलम खाली है एक्सपर्ट लेक्चर को बुला करके उनसे बनाए स्टूडेंट का एक्सपेंजर हो फैकल्टी का एक्सपेंजर हो मतलब पिछले एक्सपर्ट थे हमारे इसमें आपको हर दिन कोई ना कोई ओरल ट्रेनर मौका पैड रहेगा कोई ना कोई स्कूल लेने आता रहेगा आता है हर दिन आपको पैड बल्कि डेट बदलनी पड़ती है क्योंकि आगे खाले नहीं है थोड़ा ये कि गवर्नेंस को हाँ अच्छा बनने का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो आगे बढ़ रही है इंस्टीट्यूट में आपका पहले साल भी जड़ गया ये अकेडमी की कोशिश लाइन भी लाएंगे और सर बोलो यहाँ की और एक
आइए आप लिखवाइएगा। खाली प्लॉट है सर, उधर रेलवे स्टेशन ट्रैक भी है इधर पीछे में, रेलवे लाइन की साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे क्या है उसके तरफ में जो गेस्ट लेक्चर वगैरह आते हैं जैसे नाना पटौनी है एम पी समाधान की एक्टिविटी चलती है ब्लड डोनेशन से आते हैं कल्चरल प्रोग्राम कराते हैं। ये तो मैंडेटरी है कि एनएसएस को ये एक्टिविटी करानी नहीं ऐसा नहीं है सर, वो बहुत से मैंडेटरी तो नहीं होता, उसमें ऑप्शन भी होते हैं। जैसे श्रमदान करके भी निपटा देते हैं ना लोग, ब्लड डोनेशन करते हैं ऐसा नहीं है। तो इज इट फेयर श्रमदान करके कर देते हैं? हां आई थिंक इज इट फेयर, इट इज नॉट फेयर सर, लेकिन हम तो कर यानी सभी चीजें करते हैं। तो व्हाट अबाउट द अवार्ड्स मटेरियली व्हाट दो प्रोग्राम ऑफिसर को बेस्ट टीचर बेस्ट प्रोग्राम उसकी कॉपी आप प्रोग्राम ऑफिसर ट्रेंड प्रोग्राम मैंने जो सुना ट्रेनिंग अभी है नई टेक्नोलॉजी का मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडल करने आने चाहिए, पावर पॉइंट बनाना, एक्सेल शीट बनाना, ये सब आता है आप लोगों को? एक्सेल वगैरह सब आता है कब? सब कुछ शायद नहीं आता हो, जिनको नहीं आता वो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आप लोग जरूर एक्वायर करिए। दूसरा ये कि सवाल आता है कि भाषा का, या मराठी मीडियम है लेकिन आपको अगर एक ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में एक ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करना है तो भाषा का मतलब कोई भाषा पूरी नहीं होती है। कह सकते हैं
कैसे फेल था उनके साथ दिक्कत तो नहीं होगी मुझे आप बताइए आप शुरू करते हैं आपको सोचते नहीं पहले आपको कितना दिन से है आपका तो मराठी है ना मराठी है बताइए ना क्या करना है इस शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए उसको बताइए अकेले वो क्या करेंगे फैकल्टी के साथ मिलते ही करेंगे जूबी का रिसर्च के फील्ड में थोड़ा फैकल्टी की कमी हुई है रिसर्च पेपर्स जितने आपको छप रहे हैं वो थोड़ा सा कम है और दूसरा ये कंसल्टेंसी भी बहुत मतलब प्रमोट दे दिया करते हैं और दूसरा ये कि जो आपका एक एक्सपोजर होना चाहिए देश में प्रदेश में वो भी ज़्यादा नहीं है जितने फैकल्टी डिपार्टमेंट में बनाया गया बहुत कम लोग हुए हैं किसी नेशनल सेमिनार में या बाहर एक्सपोजर का बहुत कम हो गया ये कुछ कुछ ग्रे एरियाज हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए और बाहर निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि आप बाहर जाते हैं बड़े सेमिनार में जाते हैं आप काम लोग करते हैं तो आपको पता लगता है कि दुनिया कैसे बदल रही है कहाँ जा रही है टीचिंग कसरत कैसे बदल रही है क्या नए तरह के प्रोग्राम्स आ रहे हैं नए तरह के क्या स्ट्रक्चर तो इन बच्चों को आपको अगर इस वक्त के हिसाब से ढालना है पहले आपको भी इंटरेस्ट ये आप मैंने गैप से लेके कि एक रिसर्च रिसर्च करें अभी इससे भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन नेशनल उसमें कितना इम्पोर्टेंस उधर उस बात के लिए है तो जो है कि इसमें कितने पेंडेंट हो सारी कंपनी के पोस्ट फाउंडेशन है बाकी फाउंडेशन है आपका कॉलेज जो है एक आइडियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सर्च करेगा प्रोजेक्ट और बाकी जिसके प्रोजेक्ट में जो थे इंस्ट्रक्टर काउंसिल के आप जानते हैं लोग किसी ने एक्सप्लोर कर देगा और इन्हें भी बाहर जरूर देंगे सेमिनार में जाइए और एक जो बड़ी शॉर्टकमिंग जो मेरे का प्रिपरेशन था स्टूडेंट्स ने भी कहा एग्जाम ने कहा कि यहाँ पे कुछ जो है वो कि बेरोज लोग आए लेक्चर हो सेमिनार्स हो तो थोड़ा उनको जो नई चीज़ें होंगे तो ये कई चीज़ों थोड़ा कि सेमिनार का मतलब ही बाहर ही जाता है आप कई बार किसी विषय पर यही दो एक्सपर्ट को बुला के यही सेमिनार कर सकते हैं सेमिनार क्या होगा जो लोग एक बार प्रेजेंटेशन करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे मेरे लोगों को बुला लिया मतलब नागपुर में बारे कई बार होता है कि आपके बहुत पैसे नहीं करते जिससे किसी को बुलाए 10-12 हज़ार कुछ करते कई बार कोई इमिनेंट स्कॉलर नागपुर आ रहा है तो गायब कर गया उसको हमारा ऐसा कॉलेज है बुला लिया नागपुर में भी कई इमिनेंट जो लोग हैं वहाँ फंसे होंगे कई टेक्नीशियंस होंगे डॉक्टर्स होंगे राइटर्स होंगे कभी उनको बुला लिया दूसरा जो मैंने आपसे भी काफ़ी कर ली थी या कुछ प्राप्त कर लीजिए म्यूजिकल डांस क्लब कुछरी क्लब स्पोर्ट्स क्लब और बच्चों से एक्टिविटीज करें अरे डांस क्लब में डांस परफॉर्मेंस दें बच्चों एक ड्यूटी बहुत जरूरी जो म्यूजिक के बच्चे हैं कभी उनका शो करेंगे और तीसरा जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाए कि अभी ट्रेंड को निकाल जो अपना है कि यहाँ पर एम ए कोर्स होना चाहिए क्योंकि यही हम लोग बी ए बी एस सी करते हैं बाबा कहते का तुम कुछ कर दे बाकी कर दे ये प्रॉब्लम समझेगा राजस्थान के लिए तो थोड़ा जो अगर यहाँ का उसको उसको कई बार मेन चीज कर पा 4-5 घंटे गाँव में वहाँ के लोगों से बात करो बारे में जीवन के बारे में उसका छुपके अवॉर्ड करो ताकि थोड़ा एक कोई काबू का एक चीज है वो चाहे वो बच्चों की गलती शादी करने का हो या कुछ काम चीजें हो थोड़ा एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाएगा एक बड़ी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आपको प्रॉपर फंडिंग मिल सकती है एक एरिया है जो आपको पढ़ना तो प्ले चीज का ये टाइम पूरा है क्योंकि सिलेबस फोकस्ड एजुकेशन की वजह ओवरऑल फर्स्ट का डेवलप कर
बस के बच्चे हैं और टिकटॉक बस के बच्चे हैं, इनको इंडस्ट्रियल ट्रिप कराइए, बैंक कैसे ऑपरेट करते हैं, अखबार ऑफिस विजिट कराइए, इंडस्ट्रियल विजिट कराइए, कैसे आगे बढ़ाया जाए कि आप लिखो, लिख के दिखाओ, कम से कम उनका स्किल बढ़े और सब्जेक्ट प्रैक्टिकल करने से सब प्रैक्टिकल करने से उनको जल्दी अंडरस्टैंड होगा, असल में ये मेरे हिसाब से ये भाषा में मुझे तो लगता है इसको ऐसे करना ऐसा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों की एक मैपिंग करें और आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चे रैपिंग करते हैं, तो फिर पुलिस क्लासेस इंग्लिश की पहले आपको 50% के लिए आप ऐसा ट्राई किया क्योंकि रहता है यहाँ तो अधेरा होता होगा ना, देखना प्रतिनिधि सत्य नहीं मिलते, इसी शेड्यूल में निकालना पड़ेगा, इसी शेड्यूल में ऐसा कोई टाइम निकालिए कि आपके आधे बच्चे लैब वर्क करें, आधे बच्चों को लैंग्वेज क्लास में, क्योंकि लैंग्वेज क्लास में आपके बहुत जरूरी है, अगर लैंग्वेज नहीं हो नहीं सकता, लैंग्वेज और नॉलेज तो फाउंडेशन से, लैंग्वेज ही नहीं है तो मतलब पढ़ नहीं पाएगा आप तो, क्योंकि उनके लैंग्वेज क्लास नहीं है, आपको 20 बच्चे हैं बाकी 20 बच्चों की और क्लास करिए, 20 बच्चों को सीधे सीधे दोनों घंटे लैंग्वेज क्लास करिए, प्रैक्टिकल करिए, सर्विस करिए, जगह बहुत सर मुझे सर जुलाई डिपार्टमेंट से मुझे ऐसा लगता है सर कि जैसे हमारे यहाँ जो क्रॉप पैटर्न है तो क्रॉप पैटर्न जो एग्रीकल्चर में राइस ग्रोइंग फार्मर से सुन रहा है और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि फार्मर जो है वो भी काफ़ी हार्ड, तो जैसे वो लोग अगर जुलॉजी लेते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे यहाँ ऐसे कोर्सेज में सर्टिफाइड कोर्सेज और वैल्यूएटेड कोर्सेज शुरू करूँ जिससे राइस के साथ जैसे इंडिकेटेड फीस टॉपिंग है उसमें राइस के साथ में एग्रीकल्चर है, उसके बाद में सेरिकल्चर है, उसके साथ में हम पोल्ट्री है, एक्वा कल्चर है, इनको कपल करते हैं हाँ सर सर्टिफाइड कोर्स और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, इनको ये काम शुरू की कराया जा सकता है और रिसोर्सेज भी इसी इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है सर। एक ये पॉलिसी कर ही रहते हैं और जैसे एग्रीकल्चर में आपको इसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं है, इसमें आपको यूनिवर्सिटी यूजी किसी की परमिशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कर रहे हमारे कोई इंस्टीट्यूट में और इसके अंदर जाते थे और फंडिंग दिए देख सामने सेंट्रल किसी डेवलपमेंट ही बोल लीजिए एक नगर से को चला दीजिए और उसी के पहले से क्रॉस मॉनिटर कर इसकी मदद करते हैं, बहुत बड़ा जो है आपका जो है इसमें सर जैसे मेरा तो ऑलरेडी मेरे डिपार्टमेंट ने एम यू भी किया है, एक तो फिशरीज है डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिस उनसे भी है और एक के वी के जहाँ पर कृषि विज्ञान के द्वारा जो पी के वी अकोला से चलता है तो उनसे भी हमारा अभी मेरा उनसे कम्युनिकेशन शुरू है, तो उनके फैकल्टी हम लोग एक्सचेंज करें जो लोग यहाँ आएंगे आसानी से, तो इसमें सब इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आगे पाँच साल में करना है आप
Second, we are going to now develop
considering the paddy as the main crop in this area, to have the use of the biofertilizer as the azolla contribution. And just we started to encourage the student to cultivate the azolla and use their azolla in their fields. We have already done some work, they have taken a project. One of the students, one of the students asked to use the azolla, how they help to increase the production. And in this way, they will help to spread this knowledge among the community. And just initiated just now, the use of the azolla as a biofertilizer. चलिए बहुत अच्छे से इसके काम को करेंगे थोड़ा सा कुछ बातें कुछ वो कोई बात कॉन्फिडेंस और कैसे होती नहीं है वो आपको सर्विस करते हैं क्या सर्विस करते हैं क्वालिफिकेशन सर्विस की चीज आप करती होती है क्या स्केल सर्विस के बनने की क्वालिफिकेशन एस्टेंड स्पेस एस्टेंडिशन उसके स्पेस आपको मिल रहे हैं पूरा बता पूरा करियर कॉन्फिडेंस वो भी लाभ है वो भी लाभ है वो भी लाभ है लाभ तो और आप स्टडी भी सर्वेक्टिकल भी बीए वगैरह कब करते हो जो अब तो सर्वेक्टिकल भी है मतलब जो नहीं नहीं रिपेटिशन एंड पेस के मैच पर रिपेटिशन सेवन दस रिपेटिशन एस पर पहले हो गए सेवन टू सिक्स सेवन सेवन लाभ सब से लाभ या वो बता सकते हैं व्हाट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा
sir, here we have only focused on the departmental contribution. But then you say that what help he has rendered to you? Qualitative data, kya diya? No assistant. So he has assisted me for finalizing the classroom and best English speeches through audio video. You don't give next time. Malala is after bitter, you've taken now in different way. CS in United Nations against India and against Indian government policies. Top the English language there, prepare his language there, and you do you have any programs or any module? Marathi to English, English to Marathi, or English to Hindi, or translation. Any of your colleagues or you have taken work on such direction? We have done nothing, sir. Nothing to what actually in Abu. Weakness. Irregularity of most of the students are coming from Marathi medium either. So therefore it is difficult to post in the department. Total strength is 5? Yes, sir. One post is reserved for ST category. For the last 15 years, we have not received even a single application. Khali chai nahi matlab wo facility karega. Geography le. Wo to aapka aise saath mein. Nahi. Only two. Only two. Aapko 24 hours jaake iske liye registration ke assistant ko sir. Sir, main ye baat kar raha hu. एम ए पी एच डी है ना वो और ये मेरा कहना ये था कि यू आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 24 इयर्स एंड यू आर स्टिल असिस्टेंट प्रोफेसर आपका वो नेट सेट का थोड़ा महाराष्ट्र में जो चल रहा था ना 94 में एक नया नियम लाया था उन्होंने जैसे हमारा इंटरव्यू होने के बाद में लास्ट 5 इयर्स में आपने इतना नहीं ये शुरुआत से है कोई डेट्स नहीं दिया है इन्हें आपने कोई ईयर नहीं दिया आपने इसमें ये 5 साल के अंदर में 4 है सर मेरा टोटल 8 है इसमें 4 प्रश्न है इफ यू डोंट हैव द ईयर्स देन लोग ने मुश्किल है फिर जब तक अवार्ड ना हो तब तक उसको कोई उन नहीं ठीक जब रूपी में कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट्स का रिजल्ट प्रोफाइल फर्स्ट ईयर का बीए में जैसे 13-14 से लेकर 90 तक तो 16-17 से लेकर 71 सेमेस्टर पैटर्न आ गया है तो यहाँ तक के एक कैरियर पकड़ता है पासिंग परसेंटेज और फिर आपने वो भी नहीं दिया कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बताइए आपके स्टूडेंट तो बहुत कम है लड़कियों की संख्या ज्यादा होने से काफी शादीशुदा फाइनल में पड़ रही है फाइनल ईयर का डिस्टिंक्शन काउंट होता है नहीं ये आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए क्या है इक्विपमेंट क्या है आपको जी सर इक्विपमेंट्स को मेजर इक्विपमेंट होता है मेरा
कॉन्फ़िगरेशन का मालूम होना चाहिए ना, टेलीस्कोप का। आप सीधे पब्लिकेशन का बुक्स रिटर्न पा लेंगे। Authenticate that data with the income, with the banks, and with the patwaris and that. So, Maharashtra, अपने यहाँ आने वाला बच्चा लोग जो है वो किसान का, तो क्या घर में जो खेती है वो काफी 15-20 किलोमीटर के अंदर में कुछ कुछ ही रहे हैं, ये देसी का खेती चालू है और वहाँ पे वो लेते हैं, परचेस करते हैं वो फसल दफन वगैरह में। बच्चे लोग हैं उनमें ज्योग्राफी के बारे में प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाए इसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए अपने जो बीए सेकंड ईयर बीकॉम सेकंड ईयर और बीएससी सेकंड ईयर में जो एनवायरमेंट स्टडी है उन उसमें भी एक प्रोजेक्ट बना लें कंपलसरी 20 मार्क का 25 मार्क्स तो उसका ग्रेड बना के अपन यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक वो कमज़ोर महसूस होते थे तो हमने ये आपकी ये सप्लीमेंटरी एक्टिविटीज टूरिज्म मार्केट इन्वेस्टमेंट दे दिया जी सर यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं ये हम लोगों ने चेकआउट किया है सर्टिफिकेट कोर्स चलिए गुड अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज बोर्ड ऑफ स्टडीज ने
PCUD. Board of Studies. College and University. Board of College and University. PCUD, there is one department in University. Board of College and University Development. This course is coming under that group. UGC को recommend किए थे, उन्होंने 3 साल के लिए grant दिया था. कब दिया था किसे? ये 2008 में दिया था, अभी भी चालू है, रखा है. अरे भाई साहब, 2008 का मत दीजिए उसको, हम करंट पाइए. नहीं नहीं सर, ये कोर्स अभी भी चालू रखा है ना. कहिए ना, आप कहिए ना कि कंटिन्यूसली चल रहा है, 2008 से चल रहा है, और अभी एक जैसे कंटेंट दे दिया आपने उसमें ग्रेजुएट कोर्स इन टूरिज्म. इस प्रकार सर, 14 में सर्टिफिकेट मुझे 12 लगे. कितना ड्यूरेशन का है ये? 3 महीने का. और इसमें 3 महीने ऑफ ट्रेनिंग हो जाते हैं? हाँ सर. हाँ, छोटा सिलेबस है, एक प्रोजेक्ट ग्रुप भी बनवाया. वेयर इज द टाइम? द टाइम लिमिट फॉर द डिपार्टमेंट्स एंड द अदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है 15 डिपार्टमेंट्स. द टाइम लिमिट इज जस्ट फॉर 1 आवर 15 मिनट्स. तो वेयर विल यू गेट योर प्रोजेक्ट पे? हां, वही जो एक्रेडिटेशन काउंसिल बेंगलुरु, वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द ईयर टीम.